हाय एवरीवन, आप सभी का एक नए वीडियो के साथ आप सभी को फिर से स्वागत है। मैं हूं सुनील लकड़ा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सुनील आर्टेक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं ग्रेनाइट पत्थर पर लिख करके बता रहा हूं, जो कि हम लोग किसी भी मुख्यमंत्री या कोई नेता कहीं पर उद्घाटन करते हैं तो उसका मार्बल पत्थर या ग्रेनाइट पत्थर पर लिख कर हम लोग देते हैं। तो ग्रेनाइट पत्थर पर जो गोल्डन कलर का होता है उस पर हम लोग कैसे लिखते हैं, तो आइए जानते हैं। इसी पर मैं बता रहा हूँ ये वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग ग्रेनाइट पत्थर ले लेते हैं, इसके बाद उस पर लाइनिंग करते हैं और लाइनिंग करने के बाद हम लोग वाइट पेंट, इनामिल पेंट का वाइट पेंट से, वाइट कलर से हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। बहुत लोगों को अभी तक पता नहीं है कि इस पर कैसे गोल्डन कलर चढ़ाया जाता है, तो उसी पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना होगा, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ये वीडियो देखने के बाद आप सभी को बहुत बहुत सा हेल्प मिलेगा। बिना स्किप किए हुए देखना है, नहीं तो आप नहीं सीख पाओगे। जैसा कि मैं लिख रहा हूँ, देखिए पूरा लाइनिंग करके वाइट पेंट से, इसी तरह से पूरा लिखना है। नॉर्मली हम लोग साइन बोर्ड में लिखते हैं, उसी तरह से लिखना है वाइट पेंट से। 3 नंबर का ब्रश लिया हूँ लॉन्ग हेयर का, लंबा बाल का। क्योंकि साइन बोर्ड या पत्थर में छोटा ब्रश बाल से नहीं लिखाता है। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन पूरा वीडियो देखने के बाद अति से समझ में आ जाएगी। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह से पेंटिंग से रिलेटेड ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। तो वीडियो में बने रहिए। देखिए टाइम भी वेस्ट होगा, इसके चलते मैं पूरा वीडियो नहीं बनाया, लास्ट में पूरा लिख करके बता रहा हूँ। इसी तरह से पूरा कंप्लीट कर देना है लिख करके। इसके बाद साइड में हम एक लाइनिंग सब बॉर्डर दे देते हैं, जो कि देखने में बहुत से खूबसूरत लगता है, अच्छा लगता है। मेरा लिखा हुआ कंप्लीट हो चुका है। और हम क्या करेंगे, कोई ऊंचा सा डब्बा या कोई चीज में, टेबल वगैरह में पत्थर को ऐसे करके रख देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो गोल्डन पाउडर होता है, कोई भी हार्डवेयर में आपको मिल जाएगा आसानी से, सूखा गोल्डन पाउडर इतना बड़ा छोटा पैकेट में, इस तरह का छोटा पैकेट में मिल जाएगा, 50 ग्राम का रहता है सूखा पाउडर। और हाँ, पाउडर लगाने से पहले एक चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी हम लोग को,
लेटर में जो लिखा हुआ है राइटिंग है वो सूखने से पहले ये चीज़ लगाना चाहिए। देखिए इस तरह से छींटना है, पूरा इस तरह से पूरा बिखेर देना है, और कोई भी गमछा या तावल से, सूती पतला तावल होना चाहिए, सॉफ्ट कॉटन का मुलायम होना चाहिए, इस तरह से पूरा मारना है हल्का हल्का पूरा लेटर पर, इसे पूरा हल्का हल्का पूरा कलर दे देना है, पाउडर को पूरा छिड़ देना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, पूरा इसे लगा लेंगे पाउडर को। मेरा पाउडर पूरा लग गया, इसके बाद हल्का हल्का ऊपर से इसे झाड़ देंगे, हल्का हल्का झाड़ना है, पूरा नहीं झाड़ना है, नहीं तो आपका लेटर जो है ताज़ा जो लिखा हुआ रहेगा वो स्क्रेच जैसा हो सकता है। इसी तरह से पूरा करना है। आप लोग जो कि लाइव देख रहे हैं मेरा, किस तरह से मैं कर रहा हूँ, हल्का हल्का झाड़ते रहना है पूरा, ऐसे हल्का झाड़ के फिर साफ कपड़ा से थोड़ा सा और प्रेस कर देना है, ऐसे इस तरह से पूरा झाड़ना है, हल्का हल्का प्रेस करना है। कंप्लीट हो चुका है, ये कितना अच्छा लग रहा है, इसी तरह से लिखा जाता है। और इसको हम लोग कोई भी शिलान्यास हो या उद्घाटन हो इस पर हम लोग देते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। आई होप आप लोग को समझ में आई ही होगा, तो वीडियो को लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। इसी तरह से फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।